40 से ज्यादा चोरी की, 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में, तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छूटा था। 17 फरवरी 2021 पिछले, मतलब एक साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया। आदर्श नगर विद्युत, और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर विद्युत नगर, कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? चितोड़ी सर। चितोड़ी, तो वहाँ से यहाँ क्यों आए दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ, ये लोग मेरी जो सास थी वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ, सास कहाँ की रहने वाली, कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर में। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग, यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे उनका जमरा नहीं था, इधर आ गए। इधर आ गए, जेल में। तुम जेल में थे तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं, आते पर नहीं कहता। कब, किस महीने से शुरू किया? डेढ़ दो महीने के बाद। डेढ़ दो महीने के बाद किया, मतलब डेढ़ दो महीने कूलिंग पीरियड था तुम्हारा, कूलिंग पीरियड था इसका। तो डेढ़ महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? सफल नहीं आ गया 17 साल जेल में रहा हूँ। किस केस में गए थे 17 साल जेल? 17 साल नहीं, 12 साल। 307, 395 सब छोटी धारा है तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाफ मर्डर, फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया, गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है, पूरा आईपीसी आईपीसी जानते हो। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 में भी गए। 325 क्या है? गन की। हाँ, गन, हाँ, हजारस वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। पिस्टल कहाँ से मिला था पिस्टल? खरीदा तो बिहार से। बिहार से, सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते भाई। बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं, नागपुर में वो आते रहते, जेल में मिले थे। जेल में मिले थे, तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने, गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर, नंबर दे दिया। तू मंगवा लिए, कितने मिला तुम्हें? 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं, वो खुद लाके, खुद लाके होम डिलीवरी। उसको क्या इस्तेमाल करते थे? उसको लेके घूमता था, डराने धमकाने के लिए। इच्छा लेके घूमता था, इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। अब होम डिलीवरी है क्या मतलब है? कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है, वो लाके दे। यहाँ आने के बाद डेढ़ महीने बाद तुमको कैसे सुझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे, कोई काम में है तो काम नहीं कर सकते थे? सर किया बहुत पहले, बहुत पहले किए। क्या तुम 29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते, मेहता काम कब किए तुम? या सर, मैं चालू किया था पांडे लाउंडर सबसे मेरा, पर पुलिस ने सुधरने नहीं दिया वहाँ के ना। पुलिस की गलती है, 17 साल से चोरी कर रहे हो, 41 अपराध का है सूची? 41 अपराध ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म्स एक्ट 385, 461, 379, आर्म्स एक्ट 401, IPC 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं। 402 तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा पढ़ेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में, पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की LLB, पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, कुछ तो छोड़ा नहीं बेटा तुमने? शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध कर कुछ पुलिस वाले सुधरने नहीं दिए। वो तुम्हें चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। क्या चाहते थे पुलिस वाले? तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या? तुम्हारी ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तुम, मैं SP नहीं बना तो मैं चोरी शुरू कर दी अप्रैल में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है, फरवरी में छूटा है, डेढ़ महीने आप ही का वेट कर रहा था। काउंसलिंग करेंगे करके। तुमको मेरा कोई डर नहीं था? तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ देखे, कहाँ देखे? YouTube में क्या देखे? जेल में मोबाइल उपलब्ध था कि नहीं? अरे नागपुर जेल की बात हम क्या करें, यहाँ जेल का नागपुर जेल। तो कहाँ देखे तुम मुझे? YouTube में। क्या देखे? तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे एक जगह? कभी मेरा भी नंबर मेरा भी आएगा। हाँ,
यूट्यूब चैनल का नाम मत पूछ। यहाँ कितनी चोरियाँ की हो दुर्ग भिलाई में पिछले एक साल में? सात आठ किए हो? बस सात आठ किए हो एक साल में, और दस साल रह जाते तो सौ सैकड़ा कुड़ाए थे तुम तो। एक बार में कितने की चोरी करते थे? जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर इसी घर में चोरी करना है? अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे पहले? सही, पहले घूमने जाते थे। पहले घूमने जाते थे? कितना दिन घूमते थे उस घर से? सात आठ बजे जाते थे। सात आठ बार जाते थे? किस काम से जाते थे? घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? घर वापस आते। फिर क्या करते थे? रात में जाते थे। अकेले करते थे? तो वन मैन आर्मी है, इतना तो भला उठा नहीं पाए हम लोग। 18 किलो प्लस एक दोनों हाथों मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर, वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला दिखा मिला उसमें इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा था। ऐसा लगा जब इतना मिला। इतना पहले कभी मिला है तुम्हें? सबसे बड़ी चोरी कब की है? सबसे बड़ी कितने का किए थे? 35 लाख। बताओ 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से फिर 3 करोड़ पे आ गए। इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे, क्या करना है इसका? एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का, फिर सेटलमेंट करोगे अगला सेकंड सेटलमेंट हो गया तो। गोवा इसीलिए गया सर, जमीन में ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ करने नहीं दिया पुलिस से तुम पहले? ये बोलो ना यार, क्या सोच के करने गए थे? घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? दो तीन दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर। बोले प्यारे दोस्त है तुम्हारे? मतलब को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताए क्यों? नहीं। और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? 1.5 लाख रूपए। 1.5 लाख? 8 लाख 6 लाख 20 लेके गया। वही बताओ, 1.5 लाख रूपए लेके गए थे उठाने के। क्या करते 1.5 लाख का? डर बहुत है यार। क्या गिर गया? अरे इसमें गिरा दिया 50,000। एक ही बताओ, इस पैसे करते क्या इतने पैसे का? तुम घर खरीदते थे? कहाँ खरीदते? बताओ तुम्हारा घर मेरे कारण नहीं बस पा रहा है? इधर नहीं, दूसरे। कहाँ खरीदते? फिर भी खेत में नागपुर ऊपर में। नागपुर खरीदते और फिर क्या करते? रहते थे खेत तो बनाते ही। चोरी छोड़ते क्या? नहीं, वो तो करते ही रहते हैं। हाँ, वो तो ठीक बोल रहे हो, वो तो बिल प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। तो 8 चोरियां जो किए हो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना? 50,000 1 लाख छोटा चोरी करते थे, छोटे छोटे। जैकपॉट कैसे लग गया? नहीं सर, उस दिन घूमने गया था, उधर से जा रहा था, दारू पीने। दारू पीने जा रहे? दिख गया सर। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिख गया। घूम गए? नहीं, डायरेक्ट तो रात में 1:30-2 बजे आए। 1:30-2 बजे आए, फिर क्या किए? घर में, घर में घुसे। इतना सामान देख के तुम्हारी आंखें नहीं चढ़ा गई? मन में क्या चल रहा था उस टाइम? खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? कब किए? शादी 1.5 साल। जेल से छूटने के बाद? जेल से पहले ही? नहीं, जेल के छूटने के बाद। तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से? फरवरी तो शादी होने का अंदर हो गया था। फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल। किस चीज के लिए? नहीं सर, वो स्थान बंद कर रहे थे मुझे 1 साल के लिए, मतलब शहर में, दूसरे जेल में। जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया। पैरोल में आया होगा? पैरोल में। पैरोल में निकल गया। पैरोल पे नहीं आया था, छूटे थे। छूटा था वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई। तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके जाते। अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, है ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। मेरी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? क्या बोलती थी? ऑटो रिक्शा चलाओ। ऑटो रिक्शा चलाओ तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है, कोई परेशान मत लो। हाँ, सुने नहीं उसका? और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? बर्तन धोती तो फिर मतलब ही नहीं। और पिताजी वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, 325 पिस्टल रखे हो।
और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया 17 साल। पहली चोरी की कितने साल के थे उस टाइम? 14-15 साल का। परेशान मत करो, ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? इस आंसू का मतलब तब है जब जेल से निकलोगे, मत करो। इतनी बार आपको मौका दिया, जज ने मौके, जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको, माननीय न्यायालय ने, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। एक साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे, आते ही 7-8 चोरी कर दी मेरे रहते हुए यहाँ पे। तुमको क्या लगा जस्टिस को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए, अपडेट में आया नहीं है, तुम धड़ाधड़ में विकेट गिराने में लग गए। हाँ, ये खुद पत्रिका छाप रहे हैं चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ, दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे इसको? गलत से बुड्ढा, कौन बुड्ढा? नाम नहीं वाला तो पता कर लेंगे पुलिस को, है पता? हाँ हाँ, कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिला, कितना लाख का चोरी किए होंगे करीब? अभी 7-8 चोरी किए दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे हो? आधे रेट पे देता था, चलो कार्रवाई करता हूँ के ऊपर भी, ठीक है। अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना। अरे यार, तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी, तो मेहनत से कमाया, कितना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या शादी किसी रेंट में रहा, वो इसका आधार कुछ पूछा नहीं क्या करता है? अरे पति यही पहले आ गया, सेटल हो गया, तो फिर लोग आ गए बाद में आया। हाँ, अब क्या सोचे हो जेल से छुट्टी कर क्या करोगे? कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में, इधर करोगे नागपुर में? नागपुर में कहीं मत करना, नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है। और फर्स्ट थाने जाओ, फोटो लगाए हुए हैं, दुर्ग वाले पहचान गए, दुर्ग वाले मेरे इलाके में पढ़ना समझे, मेरी काउंसलिंग अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गए सर, आपका काउंसलिंग पहली बार, चलो अच्छा करना है, ठीक है। तीन चोरी और सब हाँ होगा भाई, निकलेगा एक, अभी इतना सामान मिल गया उसमें आपको खुशी नहीं हो रही? 10,000 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हैं, करोड़ों की चोरी आपको दिखने लगी। जब यूट्यूब देखते थे तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते? अच्छा बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना सर से मिलना, तेरे चोरी का ख्याल निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना, अच्छे हो गए। क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? मतलब अच्छे बातें करते, छोटो समझाते हैं। हाँ, हाँ, देखो आंख में आंसू आ गए बेचारे के। देखो यार, छोड़ना है इसको, ठीक है, ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000-30,000 वो उसके चक्कर में तुम हो, कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है। ये छूटेगा ना इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है। देखो मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना, यहाँ बात करके तो अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है। निकल तो बगले में रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का नहीं, लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो उसी को मोनिटर बना दो, तो सब चोरों को पहचानेगा, चोरी हो ही नहीं सकती। भाई रहेगा मैं बगले पे, हाँ साहब को भी दिखा।